हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हम ऑडिट करेंगे तो उसकी क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या स्पेशल प्रोसीजर्स होंगे, क्या ट्रेडिशनल प्रोसीजर्स होंगे। क्योंकि ऐसा है, क्या कहते हैं, एक नया एसेट पैदा हो गया जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एसेट, यानी कि डेटा जो है इम्पॉर्टेंट एसेट बन गया है। वैल्यू जो डेटा या इन्फॉर्मेशन, डेटा को आप ठीक तरीके से ठीक पैटर्न में अगर आप रखेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डेटा जो होता है राइट वे में प्रेजेंट किया जाए तो वो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी बोलें, डेटा एसेट या इन्फॉर्मेशन एसेट जो बोलें, वो बहुत वैल्यूएबल हो गया। ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन के रूप में डेटा कम वैल्यूएबल होता है, जब डेटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है तो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ये हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था। तो इन्फॉर्मेशन एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन गया। और पहले क्या होता था कि आज से कोई 50 60 70 साल पहले या 100 साल पहले पेटेंट वगैरह स्टार्ट हुए तो इंटेंजिबल एसेट्स स्टार्ट हुए, हमारी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स आने लगे। पहले टेंजिबल ही एसेट्स होते थे सारे एसेट्स, अब इंटेंजिबल एसेट्स आने लगे, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स और बढ़ते चले गए और एक पर्टिकुलर एसेट पिछले 10-20 सालों में या 25 सालों में कह सकते हैं पैदा हुआ, अचानक कहीं से पैदा हुआ, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एसेट, और वो वैल्यूएबल होता चला गया। और आज की डेट में वो इतना वैल्यूएबल हो गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट की जगह लेता है और कल की डेट में वो ज़्यादा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है। तो उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर हार्डवेयर और कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसके पीछे इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन फैसिलिटी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम आई टी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। और इसी आई टी इन्वायरमेंट को ऑडिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर पैदा हुआ, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल की ज़रूरत हुई। तो ऑडिट प्रोसीजर जो हम लगाएंगे, जो हम फॉलो करेंगे, और ऑडिट मेथोडोलॉजी जो करेंगे वो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी की ही तरीके से होगी, मतलब फेजेस वगैरह जो होंगे, सॉरी ऑडिट जो फेजेस वगैरह होंगे वो काफ़ी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी की तरह ही होंगे। जैसे ट्रेडिशनल एसेट को हम ऑडिट करते हैं उसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब हम मेथोडोलॉजी अपनाई करेंगे तो मेथोडोलॉजी अलग हो जाएंगी, मेथड्स अलग हो जाएंगी। यहाँ पर मालूम पड़ा हम सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने लगेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करने लगेंगे। क्यों यूज़ करने लगेंगे? क्योंकि डेटा कहाँ है, एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर है, एक पर्टिकुलर जगह में डेटा रेस्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव में रेस्ट कर रहा है। उस हार्ड ड्राइव में हम घुस नहीं सकते, उसमें हम फिजिकली घुस ही नहीं सकते। और एसेट को हम फिजिकली देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इन्वेंटरी ले सकते हैं, लेकिन डेटा एक एसेट है, हम सिस्टम के अंदर नहीं घुस सकते हैं। जो जैसे मूवीज़ आई, रावण वगैरह मूवीज़ आई, उसमें हीरो जो है वो उसके अंदर घुस जाता था, आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता था। या कोई वेस्टर्न मूवीज़ हैं जिसमें सिस्टम के अंदर घुस जाता है, सिस्टम का पार्ट बन जाता है और सिस्टम के डेटा का पार्ट बन जाता है और डेटा को देखने लगता है। ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हम क्या है, फिजिकली नहीं घुस सकते, लॉजिकली हमें घुसना पड़ेगा। और लॉजिकली के लिए घुसने के लिए लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होने पड़ेंगे, क्योंकि मालूम पड़ा है 1 इंच बाई 1 इंच प्लेस में 100 करोड़ ट्रांजिस्टर्स होंगे, नैनोमीटर्स की डिस्टेंस में आपके ट्रांजिस्टर्स या ये होंगे, नैनोमीटर्स की डिस्टेंस में होंगे। तो नैनोमीटर्स बहुत छोटी सी यूनिट होती है, एक बाल से भी बहुत सी, बाल को भी एक बाल ले लिया जाए और हेयर फॉलिकल ले लिया जाए और उसको भी कई भागों में डिवाइड किया जाए, तब उतनी छोटी जगह में एक ट्रांजिस्टर है, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो फिजिकली हम उसे देख नहीं सकते हैं, लॉजिकली हमें देखना है, घुसना है, लॉजिकल कंट्रोल्स होते हैं, लॉजिकल टेक्निक्स होती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी, स्किल्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई और ये डेटा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशंस में बताया, डेटा जो है वो इंपॉर्टेंट होता चले जाएगा, वो इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू करेगा, धीरे धीरे नीचे के इकोनॉमिक सिस्टम्स और ऑटोमेट होते चले जाएंगे और ये ऑटोमेशन की स्पीड अब बढ़ती चली जाएगी और डेटा फिर और इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो यानी ट्रेडिशनल ऑडिटर के पास स्पेसिफिक स्किल्स आ जाएँ तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन जाता है।
तो हमने इसमें ये पढ़ा था कि कुछ ऑडिट स्ट्रेटजीज होंगी। ऑडिट स्ट्रेटजीज में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कॉम्पिटेंस और स्किल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, कॉम्प्लेक्स टाइप की स्किल रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। यानी कि नॉर्मल तरीके से आप ऑडिट करोगे, बाकी आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस बढ़ गया है, स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शंस बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था, मैनुअल कंट्रोल्स होते, मैनुअल कंट्रोल्स हट गए, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऑडिट करने जाओगे तो कहीं पर मैनुअल कंट्रोल्स होंगे, कहीं ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होंगे, दोनों को देखना पड़ेगा। ऑटोमेटेड कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल्स होगा तो वहाँ पर ऑडिट ट्रेडिशनल मेथड से किया जाएगा, जब ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होंगे तो वहाँ पर ऑडिट का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होंगे तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये कहना पड़ेगा यहाँ पर तो फ्रॉड नहीं हो सकता, ये सिस्टम फ्रॉड नहीं कर सकता, मतलब इसके पीछे एक आदमी फ्रॉड कर सकता है, लेकिन ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है अगर हम इसको देखें तो ये सिस्टम कहाँ से फ्रॉड करेगा, ये सिस्टम फ्रॉड नहीं कर सकता जब तक कि इसमें एक्सटर्नली किसी आदमी ने वायरस ना डाल दिया जाए, किसी वायरस ना डाल दिया गया हो तब तक ये सिस्टम गलत तरीके से नहीं चलेगा। ये इसका एक सेट लॉगरिथम है, सेट इसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उन्हीं के अनुसार ये सिस्टम काम करेगा, तो वो हमें उसी तरीके से उसको ऑडिट करना पड़ेगा। और क्या है कि वो सिस्टम डेटा जनरेट कर रहा होगा, उस डेटा के आगे आदमी बैठा होगा, डेटा ये सेंसर्स लगे होंगे, सेंसर्स लगे होंगे, वो डेटा जनरेट कर रहा होगा, डेटा के बाद आदमी बैठा होगा, आदमी जो होगा उस सारे इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होगा। तो जहाँ 100 आदमी होंगे वहाँ आज की डेट में 2 आदमी हो जाएंगे, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जहाँ पर मैनुअल ऑडिटिंग होगी वहाँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ज़्यादा देखेंगे, जहाँ पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो जाएंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाएंगे, वहाँ लॉग्स ज़्यादा देखेंगे, कंपनसेटिंग कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा देखेंगे, एक्सटर्नल रिव्यू पर एक्सटर्नल रिव्यू सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर ऑडिटेड असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स और इस तरीके की चीज़ों को इस पर ज़्यादा हम एम्फेसिस करेंगे। तो यानी कि जो हमने पढ़ा ऑडिट स्ट्रेटजी जो है वो चेंज हो जाएगी। ऑडिट स्ट्रेटजी इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि कॉम्पिटेंस और स्किल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, कॉम्पिटेंस आपकी बढ़ जाएगी और स्किल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने फेजेस पढ़े थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ऑडिट के फेजेस पढ़े थे, फेजेस भी वही होते हैं, प्रीलिमिनरी रिव्यू होगा ऑडिट एनवायरनमेंट का, जैसे प्रीलिमिनरी रिव्यू करते हैं हम नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑडिटिंग में, फिर ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्रिस्टलाइज होंगे। यहाँ पर ऑडिट और स्कोप जो है दोनों बैठकर क्रिस्टलाइज करते हैं। जनरली जो ट्रेडिशनल ऑडिट होता है, ट्रेडिशनल ऑडिट होता है उसमें ऑडिटर स्कोप क्लाइंट बता देता है कि ये ऑडिट हमारा ये स्कोप है, अगर आपको कुछ चेंज करना है, ऑडिटर को कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कर लेता है। वहाँ पर भी एक तरीके से दोनों टीम में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, लेकिन ऐसा है कि इसमें क्या होगा, जो ऑडिट और स्कोप क्रिस्टलाइज करने में दोनों पार्टी ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा, क्योंकि क्या है कि हर 5 साल में तो जनरेशन चेंज हो जाती है, तो जनरली आपको एज एन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बुला रहा होगा क्योंकि जो कंटिन्यूसली नए रिस्क आ रहे हैं उसको मिटिगेट करने के लिए बुला रहा होगा, उसको एक्सेप्टेबल लेवल में लाने के लिए। और क्या एक्सेप्टेबल लेवल है यही पता नहीं होगा कई बार मैनेजमेंट को, तो कई बार मैनेजमेंट ये कहेगा कि भैया जो एक्सेप्टेड लेवल है वो हमें बताओ, हमें ये बताओ कि बेंचमार्किंग करो दूसरी कंपनी से कि एक्सपेक्टेड लेवल क्या है इस पर्टिकुलर एरिया में रिस्क का, एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, यही मैनेजमेंट को नहीं पता होगा क्योंकि नई चीज़ें आ रही होंगी। तो जो फेजेस होंगे वही फेजेस होंगे, प्रीलिमिनरी रिव्यू होगा और उसके बाद क्या है, एग्रीमेंट होगा ऑब्जेक्टिव और स्कोप में, फिर हम प्लान करेंगे ऑडिट को, फिर ऑडिट प्रोसीजर्स बनाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, फॉलो अप करेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी में है वो प्लानिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की हम कैसे प्लानिंग करेंगे। तो हमारी स्टडी कहती है कि जो इम्पॉर्टेंट फेज है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेज जो है किसी भी ऑडिट का, वो ऑडिट प्लानिंग है, क्योंकि उसी फेज से ये पता चलेगा, उसी फेज में ही ये डिसाइड होगा, उसी फेज में ही प्लानिंग होगी कि किस तरह से हम ऑडिट को इफेक्टिव मैनर में करें। लेकिन जहाँ तक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है वहाँ पर प्लानिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है, इसलिए होती है क्योंकि ऑडिट रिस्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा या इन्फॉर्मेशन एसेट होता है, और डेटा और इन्फॉर्मेशन ऐसा एसेट हो गया है कि आज की डेट में, कल की डेट में ये बोला जा रहा है कि आज से 5 साल या 10 साल बाद तो ऐसा होगा कि एक आपने पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव में पूरा पीटाबाइट्स आ जाएंगे, आज पेन ड्राइव में 64 GB की पेन ड्राइव आ गई है, कुछ टेराबाइट्स का हार्ड डिस्क आ गई है, 7 TB की हार्ड डिस्क आ गई है, और
मतलब डेटा कई जगह पर पीटाबाइट्स में स्टोर करने की कोशिश की जा रही है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में पीटाबाइट्स। एक पीटाबाइट डेटा का मतलब यह है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की डेटा उसमें आ जाएगा, ईजिली आ जाएगा। तो इतना सारा डेटा एक छोटी सी जगह में होगा और छोटी सी जगह में उसे वाइप ऑफ किया जा सकता है, और वहाँ पर रिस्क बढ़ जाते हैं और इनहेरेंट रिस्क तो और भी बढ़ जाते हैं। तो ऑडिट को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए एक अच्छा ऑडिट प्लान होना बहुत जरूरी है। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में आता है, अच्छा ऑडिट प्लान। अच्छा ऑडिट प्लान ट्रेडिशनल ऑडिट में भी और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में तो एम्फसाइज करना पड़ेगा हमें ऑडिट प्लान के लिए, क्योंकि ऑडिट प्लान होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा ऑडिट प्लान होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड ऑडिट है और एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो जो ट्रेडिशनल ऑडिट्स में है हम ट्रेडिशनल मेथड्स लगाएंगे, वहाँ पर भी ऑडिट प्लानिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑडिट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, नए टाइप के थ्रेट्स आ रहे हैं और कई बार क्या होता है कि नए टाइप के रिस्क आ रहे हैं, बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क पैदा हो रहे हैं और कई टाइप के जो रिस्क हैं वो मैनेजमेंट को भी पता नहीं होगा कि ये रिस्क नए आ चुके हैं, तो उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि ये एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन करना, मैनेजमेंट को क्या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है ये डिटरमाइन करना, और फिर उसी के अनुसार कंट्रोल्स बनते हैं। तो कई बार क्या होगा, मैनेजमेंट को पता ही नहीं होगा कि एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क क्या होगा क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें पता ही नहीं होगा। तो ऑडिट प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो IFAC के अनुसार प्लानिंग का मतलब यह है कि प्लानिंग का बेसिक मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब ये है कि एक जनरल स्ट्रेटेजी डेवलप करना, एक डिटेल्ड अप्रोच डेवलप करना, और उससे क्या है कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डिटरमाइन करना, जो एक्सपेक्टेड नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट है वो डिटरमाइन करना। तो इससे क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट प्लान का, ऑडिट प्लान का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑडिट को एक एफिशिएंट और टाइमली मैनर में करें। एफिशिएंट यानी कॉस्ट इफेक्टिव, हमने पढ़ा था दो चीज़ें होती हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट। इफेक्टिव का मतलब ये गोल्स को रीच करना, गोल्स को रीच करना, धीरे धीरे आप गोल्स में रीच कर रहे हैं। अगर 100 मीटर की दौड़ हो रही है तो आप अपने गोल की तरफ पहुँच रहे हैं, चार दिन बाद भी पहुँचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गोल तो रीच गए, कर गए, इफेक्टिव तो हो गए। अगर आपने दवाई खाई, अगर दवाई आपको चार घंटे बाद रिलीफ दे रही है, दे तो रही है, अगर आयुर्वेद की दवाई है अगर तीन दिन बाद आपको रिलीफ देती है या छः महीने खाने के बाद रिलीफ देती है, अपना उसमें इफेक्टिवनेस है। लेकिन एफिशिएंसी कब होती है, एफिशिएंसी ये होती है कि एक इंजेक्शन दिया और फटाफट आप ठीक हो गए, वो इफेक्टिव होता है। गोल 100 मीटर की रेस है, वहाँ पर आपने 15 सेकंड में पूरी कर ली या 20 सेकंड में पूरी कर ली, 20 सेकंड में कर सकते हैं तो 15 सेकंड में कर ली, तो वो एफिशिएंसी होती है। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कई बार आपके सामने आएगी अपनी स्टडी में और कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कह क्या रहा है, वो वर्ड्स केयरफुली चूज़ किए गए हैं। इफेक्टिवनेस का अलग मतलब है, एफिशिएंसी का अलग मतलब है। तो ऑडिट का जब आप प्लान करेंगे तो एफिशिएंट और टाइमली मैनर में होना चाहिए। तो कई बार ये इंप्रेशन आता है कि ऑडिट प्लान ऑडिट के स्टार्ट में बना दिया जाता है और वो वैसा ही रहता है, चेंज कभी नहीं होता है। ट्रेडिशनल ऑडिट्स में कई बार यही होता था कि एक आपने ऑडिट प्लान बनाया, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, एक पर्टिकुलर ऑडिट प्लान बनाया और पर्टिकुलर कई आप तीसरी चौथी बार ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या दसवीं बार उस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो ऑडिट प्लान वही रहता है, ऑडिट प्लान चेंज नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स टोटल आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है, ऑडिट प्लान उन सारी चीज़ों की कवरेज कर लेता है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, रिस्क चेंज हो सकता है, तो ऑडिट प्लान भी इवॉल्व होते रह सकता है। ट्रेडिशनल में भी ये होता था, ट्रेडिशनल में प्रैक्टिकली अगर आप किसी ऑडिटर से पूछेंगे क्या ऑडिट प्लान चेंज होता है ऑडिटिंग के टाइम पर, तो उसको वो जनरली कहेगा ऑडिट प्लान तो स्टार्टिंग में बनता है जी, एक बार बन गया और फिर उसके बाद वही प्लान चलेगा। लेकिन इन रियलिटी क्या है, ऑडिट प्लान आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप ऑडिट प्लान को चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप ऑडिट करते हैं वैसे वैसे प्लान चेंज करते रहते हैं। कोई नई थ्रेट्स आ गई, कोई नई प्रॉब्लम्स आ गई तो ऑडिट प्लान चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आप स्टार्टिंग में ऑडिट प्लान बनाएंगे और ऑडिट प्लान जो है एक्सपेक्टेड नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट बताएगा आपको, एक्सपेक्टेड बताएगा। और ऑडिट जो प्लानिंग है वो जनरल स्ट्रेटेजी है और डिटेल्ड अप्रोच है, मतलब एक स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं और एक डिटेल्ड अप्रोच बना रहे हैं,
और उसी अप्रोच पर आप नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डिटरमाइन कर रहे हैं. नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट कि पर्टिकुलर एरिया को मैं देखूंगा तो उसमें कितना टाइम लगाऊंगा. मान लिया डेटाबेस को देखूंगा, सेंट्रलाइज डेटाबेस को देखूंगा, उसमें क्या ऑडिट लगाऊंगा. मालूम पड़ा लैपटॉप्स की इन्वेंटरी देखूंगा तो उसमें क्या टाइम लगाऊंगा. लाइसेंसेज, EMC के लाइसेंसेज देखूंगा तो उसमें क्या टाइम लगाऊंगा. दूसरी बात यह है कि एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, मालूम पड़ा मैं डेटा को चेक कर रहा हूँ, अगर डेटा के इनपुट आउटपुट चेक कर रहा हूँ तो कितनी परसेंट चेकिंग करूँगा, 10% चेकिंग करूँगा, 15% करूँगा, किस जगह पर 10% करूँगा, किस जगह पर 100% करूँगा, किस जगह पर 1% करूँगा, किस जगह पर मंथ एंड डेटा को चेक करूँगा, किस जगह पर ईयर एंड डेटा को चेक करूँगा. तो ये बेसिकली एक्सटेंट ऑफ ऑडिट हो गया. तो नेचर, टाइमिंग और एक्सपेक्टेड नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट आप देखेंगे. तो हमारी स्टडी कहती है कि जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट को प्लान कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, रेंज ऑफ कंसिडरेशंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि उसमें फिजिकल कंट्रोल्स भी होंगे, लॉजिकल कंट्रोल्स भी होंगे. लॉजिकल कंट्रोल्स में भी कई चीज़ें होंगी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद ऑथराइजेशन की बात आएगी. ऑथराइजेशन के भी कई तरीके हो सकते हैं. नॉर्मल एसेट होगा तो उसमें आप लॉगिन दे दोगे तो आपको नॉर्मल सॉफ्टवेयर में एक्सेस मिल जाएगा, लॉजिकल एक्सेस मिल जाएगा. अगर मान लीजिए सपोज कोई सेंसिटिव एसेट है तो उसमें आपको अपने फिंगरप्रिंटिंग भी देनी पड़ेगी, अपना वो आयरिस स्कैन भी देना पड़ सकता है, आँख का स्कैन भी देखना पड़ सकता है, आपको वॉइस ऑथराइजेशन भी देना पड़ सकता है, कई चीज़ें देनी पड़ सकती हैं. तो उसमें सॉरी ऑथेंटिकेशन देना पड़ सकता है, तो कई तरह के ऑथेंटिकेशन हो सकते हैं. ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन हो गया. ऑथराइजेशन के क्या लेवल्स हैं, उसमें भी ऑथराइजेशन आपको मिली तो उसमें केवल डेटा को देखने की, रीड की राइट्स मिले कि डिलीट की राइट्स मिले. तो ये कहने का मतलब ये है कि न्यूमरस एक्टिविटीज़ हैं और उसमें भी बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे, उसमें भी फायरवॉल लगे होंगे, एंटीवायरस लगे होंगे, उसमें भी क्या कहते हैं बाउंड्री कंट्रोल्स लगे होंगे. एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन होगा तो उसमें एप्लीकेशन कंट्रोल्स लगे होंगे, उसमें बाउंड्री कंट्रोल्स लगे होंगे, उसमें और तरीके कंट्रोल्स लगे होंगे जो हमने पढ़े, जो हमने पिछले सेशंस में पढ़े. तो उसमें न्यूमरस एक्टिविटी होंगी और बहुत सारे रेंज ऑफ कंसिडरेशन होंगे. नॉर्मल ऑडिट जो ट्रेडिशनल ऑडिट है उसमें उतने कंसिडरेशन नहीं होते हैं जितने कंसिडरेशन आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में होते हैं. क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि जो नॉर्मल ऑडिट होगा उसमें फिजिकल कंट्रोल्स देखेंगे, फिजिकल सामान देखेंगे, फिजिकल काउंटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ लॉजिकल कंट्रोल्स आ गए हैं. लॉजिकल कंट्रोल्स फिजिकल कंट्रोल्स से बहुत अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं. तो आपका स्कोप और ऑब्जेक्टिव जो है इम्पैक्ट होता है. तो जब आप प्रिलिमिनरी रिव्यू कर रहे होंगे ऑडिट एनवायरनमेंट का तो ऑब्जेक्टिव और स्कोप जब आप क्रिस्टलाइज करेंगे उसमें असर करेगा. तो इसे समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं प्लानिंग, अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में प्लानिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, रेंज ऑफ कंसिडरेशन होंगी, और जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो क्रिस्टलाइज होगा प्रीलिमिनरी रिव्यू के बाद, जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्रिस्टलाइज होगा वो इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा, इन एक्टिविटीज को और मतलब जो न्यूमरस एक्टिविटीज़ हम कंसिडर कर रहे हैं इन सबको, हमारे कंसिडरेशन को इम्पैक्ट करेगा. जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव होगा वो इम्पैक्ट करेगा. स्कोप और ऑब्जेक्टिव तो जनरली वही होता है इंटरनल ऑडिट में, कि एसेट को आपको ठीक सेफगार्ड करना है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट में लाना है, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, इफेक्टिवली यूटिलाइज, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रीच आउट करना है. तो बेसिकली स्कोप और आपका पर्पस, जो ब्रॉड स्कोप और पर्पस है वही रहेगा, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके कंसिडरेशंस, रेंज ऑफ कंसिडरेशंस जो हैं वो चेंज होंगे, और ये पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में होगा. तो ISA 300 का जो स्टैंडर्ड है, प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड है वो कहता है कि एडिक्वेट प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है, और एडिक्वेट प्लानिंग से क्या होगा कि आप इंपॉर्टेंट एरियाज़ में अटेंशन ज़्यादा डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक टीम होगी, आप प्लान करोगे और हर एक को टाइम दोगे तो उसमें क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, लिमिटेड रिसोर्स होगा, आपकी कॉस्ट बेनिफिट एंड आपका भी कॉस्ट कंसिडरेशन है. आप ऑडिट करने जा रहे हो तो एक बिल आपको एंड में देना है, एक पर्टिकुलर पैसा आपको मिलना है, उसी पैसे के अंदर आपको ऑडिट करना है और इसी पैसे के अंदर आपको वैल्यू डिलीवर करनी है. तो उसमें आप प्रायोरिटाइज करोगे कौन से इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, इंफॉर्मेशन एसेट में भी कौन से इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी के क्रिटिकल एसेट्स हैं, और
उनको ऑडिट करने की कोशिश करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो उसमें ज़्यादा अटेंशन डिवोट करने की कोशिश करोगे, तो उस वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो स्टार्ट प्लानिंग से होगा। प्लानिंग के आप सारी चीज़ें प्लान करोगे और फिर उसी के अनुसार टाइम डिवोट होगा। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ में आपके आपने अटेंशन किया तो वहाँ पर पोटेंशियल प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद वर्क आपका जो काम है वो एक्सपीडिशियसली हो गया, यानी जल्दी हो गया काम। और प्लानिंग जो होती है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि असिस्टेंट को वर्क असाइनमेंट में हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क में हेल्प करती है। अगर मान लिया एक एक्सपर्ट्स है, एक ऑडिटर है, आप ऑडिटर हो, आपको डोमेन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसमें कोऑर्डिनेट करने में आपको हेल्प करती है, क्योंकि एक्सपर्ट का टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता होता है मैं कब कौन से एरिया में ऑडिट करूंगा या कौन से व्यक्ति कौन से एरिया में ऑडिट कर रहा होगा और कहां पर एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, तो आप कोऑर्डिनेशन वर्क में वर्क को कोऑर्डिनेट कर सकते हो और जो है टाइम सेव कर सकते हो, मनी सेव कर सकते हो और इफेक्टिवनेस आपकी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो ईसा 300 स्टैंडर्ड बोलता है प्लानिंग के बारे में, वो कहता है एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग जो है वो साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करती है कि बिज़नेस कैसा है, क्या साइज़ है उसका, क्या कॉम्प्लेक्सिटी, ऑडिटर का एक्सपीरियंस क्या है उस एंटिटी के साथ, उसके पास ऑडिटर के पास नॉलेज ऑफ बिज़नेस है कि नहीं है, उसके सबऑर्डिनेट्स के पास उस बिज़नेस की नॉलेज है कि नहीं है, कितनी नॉलेज नीचे कास्केट की गई, उसी के अनुसार एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग डिपेंड करती है। और कई बार क्या होता है कि पहले ऑडिट में आप या कोई एक नया टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप जा रहे हो और पहला ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें आपकी एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा होगी और बाद ऑडिट्स में आपको पता चल जाएगा कौन से रिस्क के एरिया हैं, कौन से नॉन रिस्की एरिया हैं, जबकि कौन से एरिया ऐसे हैं, नॉन रिस्की एरिया तो कोई नहीं होता है, कौन से एरिया हैं जहाँ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, तो आप वहाँ पर उसी के अनुसार एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग करोगे। और कई बार क्या होता है कि कोई बिजनेस ही नया होता है, पहली बार पैदा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक है, सोशल मीडिया भी आया, पहले एक समय पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो अगर मान लिया सपोज आप फेसबुक का ऑडिट कर रहे हो या ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हो जो सर्विसेज पहले थी ही नहीं, तो वहाँ पर आप क्या देखोगे, वहाँ नए टाइप के रिस्क होंगे, वहाँ पर एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग ज़्यादा होगी। उसके अलावा बिजनेस की नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, ये ट्रेडिशनल ऑडिट में भी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में चीज़ें हमेशा चेंज होती जा रही हैं, आपको बिजनेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी के अनुसार एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और वो एक्सपर्टीज़ आप पहले देखोगे, क्योंकि 4-5 साल में तो आपका एक जनरेशन चेंज हो जाती है, तो नॉलेज ऑफ बिजनेस होनी बहुत ज़रूरी है ताकि इवेंट्स को आप आइडेंटिफाई करो, ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करो और मटेरियल इफेक्ट है कि नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनका क्या इफेक्ट आ रहा है ये आप देखोगे, मतलब इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, प्रैक्टिसेस के बारे में आपको नॉलेज होनी, क्योंकि बिजनेस की नॉलेज आएगी तो इवेंट्स, ट्रांजैक्शन और प्रैक्टिसेस के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कौन से इवेंट्स, ट्रांजैक्शन, प्रैक्टिसेस मटेरियल इफेक्ट डालते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको आप ज्यादा थॉरो चेकिंग करोगे, यानी मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आप को अप्लाई कर सकते हो अगर आपको बिजनेस की नॉलेज होगी, एक्स्ट्रा प्लान कर रहे हो अगर आप। उसके अलावा क्या है कि कई बार क्या होता है एंटिटी की ऑडिट कमेटी होती है, तो आप क्या होता है आप कुछ चीज़ें ओवरऑल ऑडिट प्लान या कुछ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लान आप मैनेजमेंट से बात करना चाहते हो, ऑडिट कमेटी से बात करना चाहते हो ताकि इफ़ेक्टिवनेस इम्प्रूव हो, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो ऑडिट की। और कई बार क्या होता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स को कोऑर्डिनेट करने में ये हेल्प करता है, तो ओवरऑल ऑडिट प्लान जो होगा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। लेकिन जो होता है, लेकिन क्या होता है कि आपको कई बार ऑडिट कर रहे होगे तो जो जिस ऑडिटी होगा मैनेज जो ऑडिटी जो मैनेजमेंट नहीं जो नीचे एम्प्लॉइज़ होंगे, तो कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि जी हमारे पास बुक्स नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो ऑडिट प्लान आप पहले से दे दो। तो वो ऑडिट प्लान आपने पहले से दे दिया तो कोऑर्डिनेशन वर्क में ईजी हो जाता है, आप कह सकते हो मैंने पहले से प्लान दे दिया है। उसके अलावा क्या है कि जो आपका प्लान डेवलप होगा वो एक्सपेक्टेड स्कोप और ऑडिट के कंडक्ट के अनुसार होना चाहिए, ओवरऑल जो ऑडिट प्लान है वो स्कोप के अनुसार होना चाहिए, एक चीज़ आप ध्यान रखोगे।
उसके अलावा आपका ये जो ऑडिट प्लान है, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑडिट में होता है आपका, ये वेरी करेगा साइज ऑफ एंटिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट, और आप अगर कोई स्पेशल मेथडोलॉजी और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इसी प्लान के अनुसार फिर ये प्लान बनेगा। ये सफिशेंटली डिटेल्ड होना चाहिए और उसी के बाद आप जो है ऑडिट प्रोग्राम बनाओगे, उसी प्लान के अनुसार ऑडिट प्रोग्राम बनेगा। तो एक चीज़ और मैंने फाइनली जो बोली है वो ये है कि ऑडिट प्लान को कई बार क्या है, ये कहा जाता है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है और ऑडिट के स्टार्टिंग में इसे कंप्लीट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लानिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है और ऑडिट पीरियड के पूरा, जब तक ऑडिट चलेगा तब तक प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कई कंडीशंस आ जाती हैं, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आ जाती हैं, नई चीज़ें आ जाती हैं, तो उसमें क्या है कि आपको ऑडिट प्रोसीजर्स में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो जो ऑडिट प्लान है उसमें भी चेंज आ जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल ऑडिट होगा, जनरली क्या होता है, ऑडिट प्लान स्टार्टिंग में ही होता है, जनरली ऑडिट प्लान जो होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट है उसमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, तो क्या है ये एक कंटिन्यूस एक्टिविटी रहती है, और लेकिन उस प्रैक्टिकली उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। प्रैक्टिकली अगर आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर ऑडिट करने जाओगे तो पहले ऑडिट में जो प्लानिंग है वो चेंज हो सकती है, लेकिन अगर मान लिया सपोज आप रिकरिंग ऑडिट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, प्लान में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे अब। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली अपने ऑडिट प्लान को देखते रहना पड़ेगा कि ये मेरा ऑडिट प्लान है, कोई एक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ आ गई तो आप उसको ऑडिट करना चालू कर दोगे। कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ आती है तो आपको एक पर्टिकुलर बिल दिया होता है, अब आप मैनेजमेंट के साथ आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं देखूँगा, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में आप हाईलाइट करने लगते हो, अनएक्सपेक्टेड एरिया है, नया थ्रेट अराइज हुआ उस एरिया में, और उसको ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट देते हो, क्योंकि मैनेजमेंट उसे इंपॉर्टेंट मांग रहा होता है और आपको भी लगता है ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एरिया जो है आपने पहले प्लान में उसको प्लान का पार्ट नहीं बनाया था, लेकिन वो नॉन मटेरियल था, लेकिन अचानक आपको पता चलता है वो मटेरियल हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए, और टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा बहुत होता है। लेकिन जो ओवरऑल ऑडिट है वो ऑडिट प्लान के द्वारा गाइडेड रहेगा, और अंडरलाइंग ऑडिट जो प्रोग्राम होगा वो भी ऑडिट प्लान के अनुसार होगा, यानी ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्लान दो अलग चीज़ होती हैं, ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, और जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो ऑडिट प्लान के अनुसार होना चाहिए। उसके अलावा आप क्या है, जैसे ट्रेडिशनल ऑडिट में और जो ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करते हो, यहाँ भी डॉक्यूमेंट करोगे ऑडिट प्लान को, सारे चेंजेस हैं तो वो एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर्स है, उसके थ्रू गुजरेगा और वहाँ पर रीज़न होगा, मतलब आप इनिशियल प्लान ये था, बाद में प्लान चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ, सारे चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस को आप फॉलो करोगे, जो हम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस की बार बार बात कर रहे हैं। थैंक्स।